वाजनगर की जो सुप्रसिद्ध रामलीला है जो काफी दिनों से चलती आ रही है, कोविड 19 का जो धंस झेलना पड़ा है उसके बारे में क्या हमने रूपरेखा बनाई? हम लोगों ने इस बार ये करा था कि हमारी के उसमें के तो यहाँ पर हमारी स्थिति ये हो जाती है, कोई मंडी नहीं आती, हमारे यहाँ लोकल बच्चे ही यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, इसलिए तो यहाँ भीड़ रहती है काफी। तो हम लोग हमारी कमेटी ने इस बार ये निर्णय करा कि हम लोग प्रदर्शन ना करके गायन करेंगे, तो श्री राधेश्याम रामायण का गायन प्रत्येक जिस हिसाब से हमारी रामलीला होती थी उसी हिसाब से उस दिन का गायन लीला का हम लोगों ने करा। और आज उसमें यह हुआ कि हमारे 50-60 लोग ही यहाँ पर रहे सुनने वाले श्रोतागण, तो हमारा जो गाइडलाइन थी सरकार की वो भी पूरी होती रही और हमारी परंपरा भी नहीं टूटी। और दशहरा मेले का हमने छोटा एक 10-12 फीट का रावण यहाँ पर लगाकर रावण का पुतला और स्वरूप में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी और हनुमान जी के द्वारा उसमें आग लगाई गई करा गया। और आज ये दशहरा कोई भी परंपरा हम लोगों ने इस तरह से कोविड 19 के गाइडलाइंस के अनुसार ही पूरी करी है। तो अभिमन्यु शर्मा नाम है ना आपका, बताइए राम की भूमिका में इस बार आप कैसा लगा आपको कोविड 19 प्रोटोकॉल में? सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को दशहरे की हार्दिक बधाई देता हूँ और सबसे आशा करता हूँ कि इस बार घर में रहकर अपने को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद करें। दूसरी बात, इस कोरोना महामारी के चक्कर में इस बार की जो सुभाषनगर की रामलीला है जो गत 78 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है वो इस बार नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं था कि हमारे पास परमिशन नहीं थी, लेकिन नहीं फिर भी लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए इस बार की जो रामलीला है उसको ना करने का निर्णय लिया गया, लेकिन सिर्फ राधेश्याम रामायण का पाठ किया गया है। पिछले 10 दिनों से उसका पाठ हो रहा है, पूरी कंप्लीट की गई है, उसके बाद आज दशहरे वाले दिन सिर्फ रावण दहन तक का कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ अजय जी हैं जो कि 19 साल तक राम का किरदार निभाया, अब यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सुभाष नगर रामलीला में। क्या कहना चाहेंगे कोविड 19 प्रोटोकॉल पे जो रामलीला हुई यहाँ पे जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ? कोविड 19 ने तो ये समझिए 78 साल की रामलीला, क्या और भी बहुत से प्रोग्राम हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके त्यौहार को ही ब्रेक लगा दिया है। मैं प्रभु श्री राम से आज के लिए ये आग्रह करूँगा कि ये कोविड 19 जो है जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि हम हर साल की बात ही अगले साल और यही धूमधाम से अपना दशहरा अपनी रामलीला का पुनः से आयोजन कर सकें और धूमधाम से इसके दोबारा से मना सकें। जय श्री राम।